A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 30th December. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Far From Over, which means not finished yet. Jiska matlab hua, koi bhi aisi cheez jo abhi tak khatam nahi hui hai. On Israel missile strike on Syria. तो ये देखे इसराइल ने दोबारा से सीरिया के ऊपर मिसाइल से अटैक किया है और इसराइल लगातार सीरिया के ऊपर अटैक करता आ रहा है. अभी तक इसराइल और जो सीरिया का जो कंफ्लिक्ट है, जो टसल चल रहा है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है. तो इसी टसल को, इसी कंफ्लिक्ट को इस आर्टिकल में हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. इसराइल इज अगेन वायलेटिंग. वायलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना इंटरनेशनल नॉर्म्स, मापदंड, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जो मापदंड है या जो लॉज है यानी कानून है. विद रिपीटेड स्ट्राइक्स अगेंस्ट सीरिया, तो यानी जो इसराइल है उसने लगातार यानी इंटरनेशनल जो नॉर्म्स एंड लॉज है, जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड और जो कानून है उसको उल्लंघन किया है और उसके बावजूद भी इसराइल ने सीरिया के ऊपर बार बार अटैक किया है, बार बार उसके ऊपर हमला किया है. द मिसाइल स्ट्राइक, यानी सीरिया ने क्या, सीरिया के ऊपर क्या हुआ, इसराइल ने मिसाइल से अटैक किया है एट सीरियाज लताकिया. लताकिया एक जगह है सीरिया का और वहां पर उसका पोर्ट है. ऑन ट्यूजडे इज येट अनदर रिमाइंडर दैट द कंफ्लिक्ट इज इन द अरब कंट्री इज फार फ्रॉम ओवर. तो इसराइल ने लताकिया नाम का जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वहां पर फिर दोबारा से क्या किया है, मिसाइल से स्ट्राइक किया है, अटैक किया है सीरिया के ऊपर ट्यूसडे को, मंगलवार को. ये इस बात का रिमाइंडर है, ये इस बात को याद दिलाता है कि ये जो दोनों कंट्री है, कौन सी कंट्री, ये अरब कंट्री है सीरिया एंड इसराइल, उनके बीच में जो कंफ्लिक्ट बना हुआ है, जो टसल बना हुआ है, वो अभी तक उनके बीच में खत्म नहीं हुआ है. फार फ्रॉम ओवर, अभी तक खत्म नहीं हुआ है. दिस इज सेकेंड स्ट्राइक ऑन लताकिया, और ये जो सीरिया के ऊपर ये दूसरी क्या है, दूसरी स्ट्राइक है, यानी इसराइल ने ये दूसरी बार सीरिया के ऊपर क्या किया है, हमला किया है. लताकिया जो कि एक बहुत ही बिजी क्या है, एक बंदरगाह है, वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट, यानी कि ये जो सीरिया के अंदर लताकिया नाम की जो जगह है, ये एक बंदरगाह है, पोर्ट है और सबसे बिजी एक इलाका है, वहां पर इसराइल ने दो बार स्ट्राइक की है, दो बार हमला किया है इन सीरिया विद इन वीक्स, कुछ ही हफ्तों के अंदर ये दूसरा हमला है वहां पर. एंड डमास्कस, डमास्कस क्या है, सीरिया की ये कैपिटल है, हैज ब्लेम्ड इसराइल ऑन बोथ द ओकेजंस. और जो डमास्कस यानी कि जो सीरिया की जो कैपिटल है, उसने इसराइल को दोनों बार के ओकेजन के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया है कि इसराइल ने दोनों बार उसके ऊपर अटैक किया है. द इसराइली अथॉरिटीज, और जहां तक इसराइल की जो अथॉरिटी है, जो उस वहां के जो प्रतिनिधि है, हैव नीदर कंफर्म्ड, ना तो ने इस बात को कंफर्म किया है, नो रिजेक्टेड, और ना ही उन्होंने इस बात को नकारा है द अक्यूजिशंस. अक्यूजिशंस का मतलब हो गया एक तरीके से जो ब्लेम किया गया था उसके ऊपर, जो दोष लगाए गए थे कि इसराइल ने सीरिया के ऊपर अटैक किया है. तो इसराइल ने ना तो उस बात को कंफर्म किया है कि यस कि ये अटैक हमने किया है, और ना ही जो ब्लेम उनके ऊपर लगाया गया है उनको सिरे से नकारा है. बट इट इज अ फैक्ट, लेकिन ये बात सच है, दैट इसराइल हैज कैरिड आउट. कैरिड आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, एयर एंड मिसाइल अटैक्स इनसाइड सीरिया इन रिसेंट ईयर. लेकिन ये बात सच है कि जो इसराइल है उसने सीरिया के अंदर हवा से और मिसाइल अटैक्स की बात की जाए तो सीरिया के ऊपर बार बार उसने पिछले कुछ सालों के अंदर अटैक्स किए हैं, सीरिया के ऊपर हमला किया है. इस बात को कोई नकार नहीं सकता है, ये बात सत्य है.
आफ्टर द स्ट्राइक ऑन लताकिया, यानी लताकिया के ऊपर हमला करने के बाद इन अर्ली दिसंबर, दिसंबर के स्टार्टिंग की अगर बात की जाए, तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर, जो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट सेड, और उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट दिया, इसके इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा वी आर पुशिंग बैक ऑन द बैड फोर्सेस, यानी हम पीछे की तरफ धकेल रहे हैं उन बुरी ताकतों को, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने टारगेट किया किसको, सीरिया को ही टारगेट किया, ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र की जो बुरी ताकतें हैं उनको हम दिन रात पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट दी, ये इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट ने ये स्टेटमेंट दी। द मल्टी साइडेड मतलब बहुत सारे दिशा, बहुत सारे मतलब अलग अलग एस्पेक्ट की अगर बात की जाए, मल्टी एस्पेक्ट सीरियन क्राइसिस, यानी जो सीरिया का जो क्राइसिस है सिर्फ एक इजराइल का ही एक क्राइसिस नहीं मान सकते, सीरिया को बहुत सारी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, सीरिया को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हैज इवॉल्व ओवर द इयर्स, यानी सीरिया लगातार बहुत सारे चैलेंजेस का, क्राइसिस का एक साथ सामना कर रहा है। इवॉल्व का मतलब होता है किसी चीज का डेवलप होना, किसी चीज का उभर कर आना, यानी कि सीरिया के सामने बहुत सारी जो क्राइसिस है वो एक साथ उभर कर आए हैं। प्रेसिडेंट बशर अल असद, जो कि सीरिया के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, रिजिम का मतलब शासन हो गया, विद हेल्प फ्रॉम रशिया एंड ईरान, और कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट है सीरिया के बशर अल असद, उन्होंने किसकी मदद ली, रशिया और ईरान की मदद से, has defeated most of the rebel groups. Rebel कौन होता है? Insurgent, मतलब जो प्रतिशोध लेने वाले जो ग्रुप होते हैं उन ग्रुप्स को पीछे की तरफ धकेला है, and recapture का मतलब regain करना, almost lost territories का मतलब हो गया सीमा क्षेत्र, except Idlib. इदलिब क्या है? इदलिब एक एरिया है जो कि सीरिया का था, लेकिन उसके ऊपर अभी फिलहाल इसराइल का हक, इसराइल ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। अदरवाइज बहुत सारे जो इंसर्जेंट ग्रुप थे जिसने क्या किया था, सीरिया के बहुत सारे पार्ट्स के ऊपर उसने अपना ऑक्यूपेशन जमा लिया था, अधिकार जमा लिया था, और प्रेसिडेंट बशर अल-कायद अशरद की ने क्या किया, रशिया और इसराइल की मदद से उन रेबल ग्रुप्स को पीछे की तरफ धकेल दिया, और बहुत सारी जो चीज टेरिटरीज थी, जो क्षेत्र था जो कि इजराइल ने कैप्चर कर लिया था उसको वापस कर लिया, और एक ही ऐसा क्षेत्र है इदलिब नाम की जो जगह है, फिलहाल वो जगह इजराइल के कब्जे में है। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड से हमें पता चला है कि किस तरीके से इजराइल और सीरिया के अंदर अभी भी कंफ्लिक्ट बना हुआ है, और इजराइल क्या कर रहा है, वो जो इंटरनेशनल नॉर्म्स और लॉज है उसका पालन नहीं कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, स्ट्राइक्स आपका नाउन हो गया, तो रिपीटेड आपका यहाँ पे V3 हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। वन ऑफ ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, और उसके बाद देखो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो आपका प्लूरल होना चाहिए। तो देखो वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट्स, यहाँ पे पोर्ट्स आपने यूज किया है जो कि आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, और यहाँ पर ये बिजिएस्ट है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल 2 भी लेकर चलता है। हैव, देखो पहले हैव रिजेक्टेड और हैव कंफर्म को देखते हैं, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और नीदर और नोर जो होता है वो आपका कॉरिलेटिव कंजक्शन होता है, ये हमेशा पेयर में ही आता है, नीदर अपने साथ नोर ही लेकर चलता है। हैज इवॉल्व, हैज के बाद अपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। इवॉल्व का मीनिंग जो होता है किसी चीज का उभर कर आना, डेवेलप होना, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर सेकंड स्लाइड। मिस्टर अशद जो कि सीरिया के क्या है, प्रेसिडेंट है, तो सीरिया के जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति है मिस्टर अशद, अप्रेंट का क्लियर विक्ट्री, जो उनकी जो जीत है वो साफ साफ दिखाई पड़ती है, डिड नॉट एंड द कंफ्लिक्ट, यानी उनकी जो जीत है
फिलहाल देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि ईरान और रशिया की मदद से उसने इसराइल से छुड़ा ली है, लेकिन उसकी ये जो जीत है वो जीत अभी भी पूरी नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट है इसराइल और सीरिया के बीच में वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। व्हेन ईरान विच सप्लाइड मैन एंड वेपन्स टू मिस्टर असद, और जो ईरान जो कि एक एक सहयोगी देश है किसका, सीरिया का, और ईरान लगातार अपने आदमियों को यानी कहीं ना कहीं सैन्य शक्ति की बात की जाए या वेपन्स की बात की जाए, हथियार की बात की जाए, तो ईरान सीरिया को सप्लाई करता है एंड बिल्ट अप इट्स इन्फ्लुएंस इन द कंट्री, लेकिन एट द सेम टाइम जो ईरान का जो इन्फ्लुएंस है उसका जो प्रभाव है वो लगातार सीरिया के अंदर ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ईरान का भी कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है सीरिया के अंदर। इसराइल विच हैज बीन ऑक्यूपाइंग सीरियाज गोलान हाइट्स ऑफ डिकेड्स, और ईरान ने सॉरी इसराइल ने क्या किया है, ऑक्यूपाई करना किसी चीज को, ऑक्यूपाई का मतलब किसी चीज के ऊपर कब्जा करना हो गया, यहाँ पर सीरिया की एक जगह है गोलान हाइट्स नाम की जो जगह है जो कि दशकों से इसराइल ने उसके ऊपर अपना कब्जा बनाया हुआ है, व्यूड एज अ सिक्योरिटी थ्रेट खतरा, जिसको मतलब जो कि इसराइल के हिसाब से वो एक सिक्योरिटी पर्पस से उसने उसको क्या किया हुआ है, उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसलिए इसराइल ने एक लंबे टाइम से गोलान हाइट नाम की जो जगह है वहां पर कब्जा किया हुआ है। रशिया हुज प्राइमरी फोकस इन सीरिया, और जहां तक रशिया जो कि सीरिया की एक मित्र देश है और उसका भी जो प्राइमरी फोकस है उसका भी जो ध्यान है सीरिया के अंदर इज ऑन सर्वाइवल ऑफ द असद रिजीम, और वो भी चाहता क्या है सीरिया के अंदर जो असद है उसका उसका जो रिजीम है उसकी जो गवर्नेंस है उसकी जो सरकार है जो शासन है वो बना रहे, एंड द प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ द सुरक्षा ऑफ इट्स ऑन ट्रूप्स, और कहीं ना कहीं जो रशिया ने अपनी जो सैन्य शक्ति भी सीरिया को दी है, ट्रूप्स का मतलब होता है सेना की टुकड़ी, तो उनका प्रोटेक्ट करना चाहता है रशिया। एट द सेम टाइम एसेट्स जो संपत्ति रशिया ने सीरिया के अंदर लगाई है, डिप्लॉयड का मतलब पोजिशन करना स्टेशन करना मतलब लगाना कहीं पर, डिप्लॉयड देयर हैज लार्जली स्टेड अवे फ्रॉम द ईरान इसराइल कोल्ड वॉर, और कहीं ना कहीं रशिया की अगर बात की जाए तो रशिया भी मतलब क्या, रशिया का पूरा फोकस है सीरिया के अंदर, और रशिया क्या चाहता है कि असन जो कि वहां के प्रेसिडेंट है उनका शासन बना रहे। एट द सेम टाइम रशिया ने अपना जो ट्रूप है जो सैन्य शक्ति दी है वहां पर, एट द सेम टाइम जो एसेट्स या संपत्ति वहां पर डिप्लॉय की है, डिप्लॉय का मतलब वहां पर लगाई है, तो रशिया उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम रशिया इस चीज से दूर है क्योंकि ईरान और इसराइल के बीच के अंदर भी एक कोल्ड वॉर बना हुआ है, एक शीत युद्ध चल रहा है, एक कंफ्लिक्ट चल रहा है। देखो सीरिया और इसराइल के बीच में तो कंफ्लिक्ट है ही, लेकिन एट द सेम टाइम ईरान और इसराइल के बीच में भी एक कंफ्लिक्ट बना हुआ है, और रशिया इस चीज से दूर है, रशिया इस मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है। दिस गिव्स इसराइल अ फ्री हैंड इन सीरिया टू टारगेट ईरानियन एंड हेजबुला शिपमेंट। देखें क्योंकि इसराइल और ईरान के बीच में अगर देखा जाए तो उनके बीच में भी एक कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से इसराइल यू नो दिस गिव्स, और इसकी वजह से इसराइल को एक फ्री हैंड मिलता है, यानी कहीं ना कहीं इसराइल इस बात के लिए फ्री है कि वो सीरिया के अंदर अगर उनको कोई भी ईरानियन मिलता है या हेजबोला शिपमेंट, हेजबोला कौन है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है, एक आतंकवादी ग्रुप है ईरान के अंदर, एंड शिपमेंट शिपमेंट मतलब कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का मतलब जो बड़ी बड़ी शिप्स के अंदर जो माल आता है तो वो उनको टारगेट कर सकता है, कौन, इसराइल टारगेट कर सकता है एज ए रिवेंज, क्योंकि कहीं ना कहीं इसराइल और ईरान के बीच में भी कंफ्लिक्ट बना हुआ है, कोल्ड वॉर की स्थिति है। द इसराइली अप्रोच, और जहां तक इसराइल की अप्रोच की बात की जाए, उसकी उसकी समझ की बात की जाए, उसकी थॉट प्रोसेस की बात की जाए, हाउ एवर हैज टू की प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं इसराइल के सामने दो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, वन
द रिपीटेड स्ट्राइक आर अ फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ सीरिया सॉवरेनिटी। और कहीं ना कहीं जो इसराइल है वो लगातार क्या कर रहा है, सीरिया के ऊपर लगातार फ्लैग्रेंट मतलब रिपीटेड स्ट्राइक कर रहा है, और ये अपने आप में एक फ्लैग्रेंट वायलेशन है। फ्लैग्रेंट का मतलब हो गया ग्लेरिंग, खुले तौर पर, वायलेशन का मतलब हो गया एक तरीके से उल्लंघन, और खुले तौर से जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है और लॉ है उसको खुले तौर पर इसराइल उन अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों और कानूनों को उल्लंघन कर रहा है और लगातार सीरिया के ऊपर अटैक कर रहा है, और एट द सेम टाइम सीरिया सॉवरनिटी, सॉवरनिटी का मतलब अथॉरिटी यानी संप्रभुता, और कहीं ना कहीं इसराइल सीरिया की संप्रभुता के ऊपर क्या कर रहे हैं, उसके उसके ऊपर अटैक कर रहा है उसके ऊपर, लेकिन एट द सेम टाइम वो उसकी सॉवरनिटी को, संप्रभुता को खत्म कर रहा है। इसराइल विच हैज हार्डली अपहेल्ड का मतलब मेंटेन करना इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड लॉज, जैसे एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसराइल जो भी अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है या जो कानून है उसका पालन उसने नहीं किया है, उसके बावजूद भी उसने क्या किया है, सीरिया के ऊपर लगातार हमले किए हैं। वेन इट कम्स टू सिक्योरिटी पॉलिसीज, जहां तक मतलब सुरक्षा की जो पॉलिसीज है उनको अगर देखा जाए, इज सेटिंग अनदर बैड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है एन एग्जाम्पल, यानी और इसराइल ने एक बहुत ही बुरा उदाहरण प्रस्तुत किया है, क्योंकि इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड लॉज को फॉलो नहीं किया बल्कि उसको वॉयलेट किया है, उसका उल्लंघन किया है। सेकंड, दूसरा प्रॉब्लम क्या है इसराइल के लिए, सीरिया डेवेस्टेटेड बाय सिविल वॉर, और कहीं ना कहीं सीरिया जो है गृह युद्ध की वजह से सीरिया अंदर से खुद ही खत्म हो चुका है। डेवेस्टेटेड का मतलब डिस्ट्रॉय होना, क्योंकि सीरिया के अंदर गृह युद्ध हुआ और उस गृह युद्ध के अंदर सीरिया क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया है, खत्म हो चुका है। इस इमर्जिंग का मतलब हो गया उभर कर आना, इवॉल्विंग अ न्यू फ्रंट इन द इसराइल ईरान टसल, और कहीं ना कहीं मतलब ये जो फिलहाल एक ईरान और इसराइल के बीच में एक जो टसल बना हुआ है, कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई है, तो यहाँ पर एक तीसरा हमें एक एंगल दिखाई पड़ता है, वो क्या, इसराइल और ईरान का भी टसल हमें दिखाई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसराइल के लिए ईरान भी एक थ्रेट है, एक खतरा है। इन रिसेंट ईयर्स, पिछले कुछ सालों के अंदर इसराइल हैज रिपोर्टेडली का मतलब तथाकथित तौर पर कैरिड आउट, एग्जीक्यूट करना सबोटेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी एक्टिविटीज इनसाइड, और कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो इसराइल हैज कैरिड आउट, इसराइल ने बहुत बार क्या किया है ईरान के अंदर, क्या किया ईरान के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज की है या ईरान की जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्ट्रॉय किया है। एंड असासिनेटिव का मतलब किलिंग, किल्ड करना, किसी को मार देना, इरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट, और ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, परमाणु साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उसका भी क्या कर दिया, उसका कत्ल कर दिया, किसने, इसराइल ने, तो जिसकी वजह से इसराइल और ईरान के बीच में भी अभी क्या बन गया है, बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट बन गया है। इन रिटर्न, और ईरान ने बदले में क्या किया, हैज अटैक्ड इसराइल लिंक्ड वेसल, और जहां पर इसराइल के बड़े वजह जो वेसल थे, वेसल्स का मतलब शिप, बहुत बड़े वजह शिप्स थे, उनके ऊपर ईरान ने बदला लेने के लिए इसराइल के उन वेसल्स के ऊपर, उन शिप्स के ऊपर अटैक किया इन द गल्फ, खाड़ी वाले क्षेत्र के अंदर, एंड मेडिटेरियन वाटर्स, जो मेडिटेरियन वाटर मतलब जो आपका जो भूमध्य आज जिसको क्या बोल सकते हो, जो बीच वाला जो क्षेत्र है जहां पर सागर की अगर बात की जाए तो खाड़ी और जो सागर वाला क्षेत्र है वहां पर ईरान ने इसराइल के जो भी शिप्स थे उनके ऊपर अटैक किया। एंड इनहेंस्ड सप्लाइज टू शिया रेबल ग्रुप इन द रीजन, और एट द सेम टाइम, और कहीं ना कहीं जो उनका रीजन है, जिनका इसराइल का जो रीजन है वहां पर भी उसने कोशिश की है ईरान ने कि जो शिया रेबल्स है, जो मिलिटेंट ग्रुप है, उसको वहां पर सप्लाई किया, जिससे कि वो शिया जो रेबल्स है वो इसराइल में जाकर क्या कर सके, तोड़फोड़ कर सके, बदला ले सके। तो इस तरह की फिलहाल एक सिचुएशन देखने को मिल रही है। सीरिया और
इसराइल का कंफ्लिक्ट तो साफ साफ दिखाई पड़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम इसराइल ने ईरान के साथ भी बिगाड़ कर रखी है, और जिसकी वजह से ईरान भी फिलहाल एक कट्टर दुश्मन दिखाई पड़ता है इसराइल का, राइट? सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट, देखते हैं। डिड नॉट एंड, देखो डिड नॉट एंड आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, आपका हैज बीन ऑक्यूपाइंग ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब हुआ एन एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट बट टिल नाउ इट इज इन प्रोग्रेस, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट किया गया हो अभी तक वो चल रहा है तो उसको बोलेंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हैज बीन ऑक्यूपाइंग आ जाएगा आपका यहाँ पर। Has reportedly carried out, देखो has के बाद carried out आपने use किया जो कि V3 है, जिसका मतलब होता है execute करना, and reportedly यहाँ पर आपका एक adverb की तरह use किया गया है। Now let us move on to our third slide, the last one. The Latakia strike, और जो Latakia जो port है Syria के अंदर उसके ऊपर जो हमला किया गया है, has come at the time, ये एक ऐसे समय पे किया गया, इसराइल ने एक ऐसे समय पर Latakia पोर्ट के ऊपर हमला किया, when international powers, ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां हैं, are trying to revive, पुनर्जीवित करना the Iran nuclear deal post 2018, यानी 2018 के अंदर ईरान ने क्या किया था, ईरान ने न्यूक्लियर डील को मतलब प्रस्तुत किया था, लेकिन उसको somehow उसको क्या कर दिया गया था, उसको सिरे से उसको लगाया नहीं गया था या उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया था, लेकिन अब दोबारा से अगर देखा जाए तो ईरान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको न्यूक्लियर डील के लिए क्या मिल जाए, न्यूक्लियर डील उसका क्लियर हो जाए जिससे कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब को बना सके। ये एक ऐसे टाइम पर आया है। इफ दीज अटेम्प्ट्स कोलैप्स, अगर ये सारे के सारे अटेम्प्ट्स कोलैप्स हो जाते हैं, यानी जो ईरान लगातार कोशिश कर रहा है कि उसको न्यूक्लियर पावर मिल जाए, एंड ईरान प्रेसेस अहेड, और ईरान क्या करता है ये जो आगे मतलब प्रेसेस अहेड मतलब आगे भी इस बात के लिए जोर लगाता रहता है कि उसको न्यूक्लियर पावर मिल जानी चाहिए, विद इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम द चांसेस ऑफ एन इसराइल ईरान मिलिट्री कंफ्लिक्ट वाज शॉर्ट, और कहीं ना कहीं इससे क्या होगा जो इसराइल और ईरान के बीच के अंदर जो मिलिट्री कंफ्लिक्ट है, जो सैन्य एक संकट बना हुआ है इसराइल और ईरान के बीच में, उसके भी बढ़ने के चांसेस हैं। सौर का मतलब हाइक होना, तो यानी न्यूक्लियर डील अगर क्लियर होती है तो इससे इसराइल और ईरान के बीच में जो एक कंफ्लिक्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। Israel has already said that all options are on the table to prevent Iran from going nuclear. और कहीं ना कहीं इसराइल ने अपनी पूरी कोशिश की है, उसने हर तरीके से अपनी कोशिश की है और कहा है कि हमारे पास सारे वो ऑप्शंस हैं टेबल के ऊपर हमने रखे हुए इस बात को प्रूव करने के लिए, प्रिवेंट रोकने के लिए ईरान फ्रॉम गोइंग न्यूक्लियर, कि ईरान को न्यूक्लियर पावर की जो अथॉरिटी है वो उसको नहीं मिलनी चाहिए, हमारे पास सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सो सीरिया अपीयर्स टू अपान PAWN, पान का जो मतलब हो गया द लीस्ट पावरफुल पीस इन द चेस, जिसको आप प्यादा बोलते हैं, राइट? तो चेस जो शतरंज होता है उसके अंदर सबसे छोटा जो खिलाड़ी होता है वो प्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं सीरिया एक अभी फिलहाल एक प्यादे की तरह दिखाई पड़ रहा है इस पूरे कंफ्लिक्ट के अंदर। इन दिस गेम बिटवीन द बिग टू पावर्स ऑफ वेस्ट एशिया की दो शक्तियों के बीच में, यानी एक तरफ इसराइल है एक तरफ ईरान है, इन दोनों शक्तियों के बीच में जो सीरिया है वो कहीं ना कहीं एक छोटे प्यादे की तरह बनके रह गया है। इनफीबल्ड, कमजोर पड़ना, इनफीबल्ड का मतलब वीकेंड, कमजोर करना, बाय द सिविल वॉर, और कहीं ना कहीं जो सीरिया के अंदर जो गृह युद्ध हुआ है उस गृह युद्ध ने ऑलरेडी सीरिया को क्या कर दिया, कमजोर बना दिया है, एंड डिपेंडेंट, और कहीं ना कहीं वो उसके आश्रित है, किसके ऊपर, ईरान एंड रशिया के ऊपर पूरी तरीके से सीरिया आश्रित है, निर्भर करता है फॉर सर्वाइवल, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। डमास्कस जो कि सीरिया की कैपिटल है, लेक्स द पॉलिटिकल व्हील, और कहीं ना कहीं सीरिया के अंदर हमें जो एक राजनीतिक जो इच्छा शक्ति दिखाई पड़नी चाहिए उसकी कमी है वहां पर, एंड रिसोर्सेज, और ना ही वहां पर उस चीज के साधन है। टू इधर चेक ईरान इन्फ्लुएंस, ना तो सीरिया इस स्थिति के अंदर है कि ईरान का जो प्रभाव जो है सीरिया के अंदर बढ़ता जा रहा है वो ईरान के उस प्रभाव को रोक सके, और डिटर, डिटर का मतलब हो गया प्रिवेंट करना इसराइल
अटैक्स, और ना ही सीरिया क्या कर पा रहा है, इसराइल उसके ऊपर अटैक कर रहा है, ना उस अटैक को वो रोक पा रहा है। तो यानी इसराइल के फिलहाल अगर देखा जाए तो सीरिया के लिए एक बहुत ही बुरी एक सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ से देखा जाए तो ईरान अपना इन्फ्लुएंस लगातार सीरिया के अंदर बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ से इसराइल लगातार सीरिया के ऊपर अटैक कर रहा है, राइट। फॉर सीरिया टू सी रिलेटिव पीस, अब सीरिया के लिए देखने वाली बात यह होगी, रिलेटिव का मतलब है पैरेलल, सीरिया को मतलब क्या करना पड़ेगा शांति को देखने के लिए, यानी सीरिया चाहता है कि उसके देश के अंदर क्या होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। देयर हैज टू बी अ डायल डाउन, डायल डाउन का मतलब होता है लेसन द अमाउंट और इंटेंसिटी, किसी चीज की मतलब मात्रा को कम करना, कि जो टेंशन्स बनी हुई है इसराइल और ईरान के बीच में उस टेंशन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी सबसे पहले जो इसराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन बनी हुई है उस टेंशन को कम होना चाहिए, एंड अ गुड बिगनिंग, और एक अच्छी अगर देखा जाए बिगनिंग का मतलब एक अच्छी शुरुआत पॉइंट वुड बी द रिवाइवल ऑफ न्यूक्लियर डील, और कहीं ना कहीं अगर ईरान एक अच्छी बिगनिंग करता है, एक अच्छी शुरुआत करता है, तो उसकी जो न्यूक्लियर डील जो अभी तक मतलब उसको लागू नहीं किया गया है, उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, तो हो सकता है उसकी जो न्यूक्लियर डील है वो दोबारा से रिवाइव हो जाए, पुनः जीवित हो जाए, यानी कि न्यूक्लियर डील कहीं ना कहीं ईरान को मिल जाए, राइट। तो फिलहाल यहाँ पे हमने इस आर्टिकल में देखा कि किस तरीके से इसराइल ने सीरिया के ऊपर अटैक किया, एट द सेम टाइम इसराइल ने ईरान के साथ भी अपने जो रिलेशन है वो बहुत खराब बना रखे हैं, राइट। सो इट वाज अ वंडरफुल आर्टिकल, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट, हम इस स्लाइड के कुछ ग्रामर कंसेप्ट देख लेते हैं। हैज कम यहाँ पर हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज किया है जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आर ट्राइंग आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया आपका। एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पे देखें विल सॉल, विल आपका एक मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद अपने सॉल यूज कर लिए जिसका मतलब हाइक हो गया, यानी ऊपर की तरफ जाना या ऊंचाई पर जाना या फिर बढ़ जाना, तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर इनडेफिनाइट हो गया, राइट। बिटवीन जो यूज किया जाता है वो दो चीजों के लिए यूज किया जाता है, तो बिटवीन यहाँ पर ईरान और इसराइल के लिए यूज किया गया है, राइट। सो वुड बी, देखिए यहाँ पे वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया और उसके बाद आपने क्या किया बी यूज किया जो कि वी वन है, राइट। सो माई डियर रीडर्स, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस आर्टिकल, आई ट्रूली बिलीव यू हैव अंडरस्टूड दिस आर्टिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो टुमारो आई कंटिन्यू विद अनदर आर्टिकल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।